नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स एनालिसिस। तो गाइस, आज आपके लिए अपडेट लेके आ रहा हूँ जो कि आ रहा है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। बीएसएफ में एयर विंग जो होता है, एयर विंग कैडरे है एक दोस्तों, जैसे कि आपका कॉम्बैट होती है, जैसे कि ग्राउंड जा जीडी रैंक होता है, वैसे ही एक विंग होती है एयर विंग। ठीक है, एयर विंग जो होती है, जितने भी नीचे जो फौजी सिपाही होते हैं उनको एयर सपोर्ट करती है दोस्तों। ठीक है, एयर से सपोर्ट करती है। ओके, तो एयर विंग कैडर है, टेक्निकल कैडर है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें पोजीशन निकली है जिसे सिर्फ और सिर्फ जो सर्विस कर रहे हैं, कार्यरत हैं या फिर नियुक्ति करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर रिटायर आ चुके हैं उनको दोबारा रोजगार दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो वैकेंसी निकली है। इससे ऑल इंडिया से बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वही कर सकते हैं जो नियुक्तियों के आधार के ऊपर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो पहले से ही इनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है इन पोस्ट के बारे में। तो गाइस, मैं सभी पोस्ट के बारे में आपसे विस्तार पूर्वक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं जिस पोस्ट के बारे में बात करूंगा उस पोस्ट का आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ऑल इंडिया से ऐसे बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ डेपुटेशन बेस के ऊपर ही जॉब निकली है दोस्तों। जो पहले से कार्यरत हैं या फिर रिटायर आ चुके हैं उन्हें रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन हर एक चीज के बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको मैं कवर कर दूंगा दोस्तों। तो थंबनेल दोस्तों आपने देख ही लिया है कि एयर विंग कैडर है, टेक्निकल कैडर है, जो कि एयर सपोर्ट प्रोवाइड करता है बीएसएफ को ड्यूरिंग कॉम्बैट और एनी अदर जब भी कोई काम पड़े। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको इसके नोटिफिकेशन की तरफ दोस्तों। तो गाइस, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसका एक नोटिफिकेशन है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली। ये चलो इनका हेडक्वार्टर का ऑफिस आ गया। ठीक है, ये तो छोड़िए, 27 जनवरी को दोस्तों नोटिस निकला है लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो 12 महीने तक इसका फॉर्म चलेगा, 12 मंथ तक। ठीक है, 12 महीने तक इसका फॉर्म चलेगा। इसमें साफ लिख रखा है इस फॉर्म के अंदर कि जब तक पूरी पद नहीं भरे जाते तब तक ये वैकेंसी चलती रहेगी। लेटर नंबर ये दे रखा है, आप पढ़ सकते हो इसे अच्छे से तरीके से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन का, देख लीजिएगा दोबारा। तो मैं दोस्तों बता देता हूँ कौन कौन सी वैकेंसी के लिए निकले रखे हैं। इससे पहले दोस्तों मैं वैकेंसी के लिए बताऊँ, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान से देखिए। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ऑन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट इन बीएसएफ एयर विंग। ठीक है, डेपुटेशन बेसिस पे वैकेंसी भरी जाएंगी नियुक्तियों के आधार पर। ठीक है, अब जो ऑप्शन के आधार पर रीएम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा दोस्तों, फिर से रोजगार दिया जाएगा। तो कुल मिला के कितनी पोजिशन है, कौन कौन सी पोस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी गाइस फॉर द कफ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कितनी पोजीशंस निकली हुई हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो पोजीशन निकली है वो निकली है सीनियर एयरक्राफ्ट मैकेनिक की, इंस्पेक्टर की पोजीशन है, इंस्पेक्टर की 19 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। सीनियर रेडियो मैकेनिक इंस्पेक्टर 5 वैकेंसी इसमें निकली है। जूनियर एयरक्राफ्ट मैकेनिक सब इंस्पेक्टर 17 पोजीशन इसमें निकली है। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये जो पोस्ट है, रैंक आपका ASI का रहेगा, पोस्ट आपका नाम है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, वैसे ही इसमें सब इंस्पेक्टर आपका रैंक रहेगा, पोस्ट आपकी होगी जूनियर एयरक्राफ्ट मैकेनिक। ठीक है, पांचवी जो है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट रेडियो मैकेनिक, जो कि आपकी पोजीशन रहेगी, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये आपका रैंक रहेगा। इसमें एक वैकेंसी इसमें निकली है और असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक में 17 वैकेंसी निकली हुई है। छठवीं की बात करें तो सीनियर फ्लाइट गनर, ये पोस्ट निकली हुई है जिसमें आपका रैंक रहने वाला है इंस्पेक्टर का, इसमें 5 वैकेंसी निकली है। जूनियर फ्लाइट गनर सब इंस्पेक्टर की रैंक रहेगा, पोस्ट का नाम है जूनियर फ्लाइट गनर, जिसमें 8 वैकेंसी निकली हुई है। सीनियर फ्लाइट इंजीनियर, पोस्ट का नाम है सीनियर फ्लाइट इंजीनियर, आपकी जो पोस्ट रहने वाली है दोस्तों वो रहेगी इंस्पेक्टर की। ठीक है, अब थोड़ा मैं स्क्रोल डाउन इसे और नीचे कर देता हूँ अच्छे से, आपको विस्तार पूर्वक पूरा का पूरा वीडियो के माध्यम से मैं कवर अप कर रहा हूँ कौन कौन सी पोजीशन निकली हुई है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जूनियर फ्लाइट इंजीनियर सब इंस्पेक्टर की आपकी पोस्ट रहेगी दोस्तों, ओके, 7 वैकेंसी इसमें निकली है। इंस्पेक्टर स्टोरमैन 2 वैकेंसी निकली है, सब इंस्पेक्टर स्टोरमैन 5 वैकेंसी निकली हुई है। हेड कॉन्स्टेबल स्टोरमैन हवलदार स्टोरमैन 1 वैकेंसी। कॉन्स्टेबल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है उसमें कॉन्स्टेबल की पोजीशन निकली है 25 वैकेंसी। तो कुल मिला के 114 वैकेंसी निकली है, इससे ऑल इंडिया से डेपुटेशन बेसिस पे फॉर्म भरा जा सकता है। अब मैं एजुकेशन की बात करूंगा, एज लिमिट की बात करूंगा और कैसे कैसे अप्लाई करना, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से मैं कवर कर दूंगा दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा।
तो गाइस थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं एजुकेशन की बात करने वाला हूँ, ठीक है, एजुकेशन की बात करने वाला हूँ मैं। तो गाइस अगर आप सीनियर एयरक्राफ्ट मैकेनिक इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसमें 19 वैकेंसी है, जिसमें रोटरी विंग विंग में M17 आता है, जिसमें M17 जो हेलीकॉप्टर है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के मैं आपको बता दूँ कि जो आपका सीनियर एयरक्राफ्ट मैकेनिक जो है, उसमें आपके जो अलग अलग विंग है, ठीक है, एक है आपका रोटरी विंग, एक है आपका फिक्स्ड विंग। तो एयर फ्रेम में 4 वैकेंसी है, इंजन में 4 है, इलेक्ट्रिकल में 4 है, इंस्ट्रूमेंट में 3 है, रेडियो रडार में 1 है, वेपन में 1 है, मैकेनिकल में 1 है, एवियोनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 1 वैकेंसी निकली हुई है। ओके, तो इसकी मैं बात करूँ एजुकेशन में, तो एजुकेशन सिंपली आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि जनरल एविएशन DGCA से अप्रूव्ड हो, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इशू किया गया दोस्तों, ठीक है। मिनिमम इस पोजीशन के लिए मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है इन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस में, विद इन 3 ईयर्स मेंटेनेंस एक्सपीरियंस ऑन BSF, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों। ओके, अब मैं बात करता हूँ अलग अदर पोजीशन के बारे में, कि अदर पोजीशन और कौन कौन सी इसमें निकली है, क्या एजुकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर अप कर दूंगा। सीनियर रेडियो मैकेनिक इंस्पेक्टर ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसमें 5 वैकेंसी निकली है कुल मिला के, ठीक है। तो इसमें जो एजुकेशन रहने वाली है वो भी DGCA का डिप्लोमा रहेगा। डिप्लोमा आपका होना चाहिए एवियोनिक्स में 3 साल का, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, ओके। या फिर जो आपका डिप्लोमा हो वो इंडियन एयरफोर्स के थ्रू इशूड किया गया हो दोस्तों। 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर रेडियो इक्विपमेंट मेंटेनेंस में, ओके। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ जूनियर एयरक्राफ्ट मैकेनिक सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, 17 वैकेंसी निकली हुई है कुल मिला के, ठीक है, 17 वैकेंसी इसमें निकली हुई है, जो कि ट्रेड वाइज वैकेंसी दे रखी है, ट्रेड में अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। ट्रेड वाइज जो एयर फ्रेम ट्रेड है उसमें 5 वैकेंसी, इंजन में 4 है, इलेक्ट्रिकल में 4 है, इंस्ट्रूमेंट में 3 है वैकेंसी निकली हुई है जो दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। एंड जो रेडियो रडार है उसमें 1 वैकेंसी निकली है। इसमें भी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए दोस्तों, जो कि एयरफोर्स के द्वारा इशूड किया गया हो, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि आपका DGCA के थ्रू अप्रूवल मिला हो दोस्तों इसको, ठीक है, जो DGCA के थ्रू अप्रूव्ड हो। DGCA क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि आपका एयरपोर्ट्स और अन्य जो भी फ्लाइंग की जो थिंग्स है उन्हें कवर अप करते हैं। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की इसमें जो है रैंक रहेगा आपका, ग्रुप सी की पोस्ट है, 17 वैकेंसी है, जिसमें आपका एयर फ्रेम में 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 1, इंस्ट्रूमेंट में 1, रेडियो रडार में 4, वेपन में 2, ओके, मैकेनिकल में 2, मैकेनिकल 06 और एयर फ्रेम और इंजीनियर में दोस्तों आपकी पोजीशन निकली हुई है, ओके। तो इसमें जो वैकेंसी, इसमें जो ट्रेड आपका जो रहेगा, इसमें जो एजुकेशन रहेगी वो भी डिप्लोमा रहेगा, जो कि DGCA से अप्रूव हो, या फिर डिप्लोमा हो आपका जो इंडियन एयरफोर्स ने के थ्रू इशू किया गया हो दोस्तों, ठीक है। तो और बाकी प्रेफरली 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपका, ठीक है, इस पोजीशन में, ओके। इस पोजीशन के लिए 2 साल का आपके लिए एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, ओके। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक में 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। और ये जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट में आपकी नौकरी हो, चाहे आपके सेंटर में नौकरी हो, दोनों का ही एक्सपीरियंस चलेगा इसमें। अदर बात करता हूँ असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो पोजीशन है, जिसकी 1 वैकेंसी निकली है, उसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास टेली कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, ओके, या फिर आपका डिप्लोमा इशू होना चाहिए एयरफोर्स की तरफ से। 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए मेंटेनेंस या फिर ओवरहॉलिंग ऑफ कम्युनिकेशन या फिर नेविगेशन इक्विपमेंट में, ठीक है। अब मैं अदर बात करता हूँ और कैसे कौन सी पोजिशन इसमें निकली थी और उनकी एजुकेशन क्या रहने वाली है। सीनियर फ्लाइट गनर इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ग्रुप बी की ये पोस्ट है, 5 वैकेंसी इसमें निकली हुई है, ओके, 5 इसमें वैकेंसीज निकली हुई है दोस्तों। आपके पास फ्लाइंग सर्टिफिकेट फ्लाइंग कैटेगरी का होना चाहिए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट का होना चाहिए, ओके। और साथ ही साथ 1000 घंटे का आपके पास मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर का कम से कम 250 घंटे का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, ओके। इस पोजीशन को अगर आपको अप्लाई करना है तो काफी अच्छी पोजीशन निकली हुई है। टेक्निकल विंग है, एयर विंग है, जो एयर सपोर्ट देती है BSF को ड्यूरिंग कॉम्बैट और एनी अदर
फील्ड कब जब भी जरूरत पड़े। जूनियर फ्लाइट गनर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। कुल मिला के 6 वैकेंसी, कुल मिला के जो 8 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। ओके, 8 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। इसमें दोस्तों आपके पास देखिए 500 घंटे का मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर का 100 घंटे का उड़ान का सर्टिफिकेट होना जरूरी है इसमें, ठीक है। ओके, तो और गाइस मैं बात करूं और पोजीशन की, तो सीनियर फ्लाइट इंजन इंजीनियर इंस्पेक्टर की पोजीशन इसमें निकली है। कुल मिला के 2 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। ओके, तो आपके पास 1000 घंटे का मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर पे और साथ ही साथ 250 घंटे का हेलीकॉप्टर पे सर आपका फ्लाइंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। ओके, मेडिकली फिट आप होने चाहिए। मेडिकल जो आपका एयरफोर्स के थ्रू, जो आपको पता है जब भी उड़ाने होती हैं, जब भी कोई एविएशन का काम होता है, तो एविएशन का जो मेडिकल होता है वो आपकी इंडियन एयरफोर्स लेती है। ओके, अब बात करूं मैं जूनियर फ्लाइट इंजीनियर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, जिसमें 7 वैकेंसी निकली हुई है। ओके, तो इसमें भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें भी जो आपका एलिजिबिलिटी है वो सेम रहेगा। 500 घंटे का जो आपका मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर पे और साथ ही साथ 100 घंटे का हेलीकॉप्टर पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्लाइंग का। ओके, अदर पोजीशन की मैं बात करूं तो अदर पोजीशन में दिया गया है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, इंस्पेक्टर स्टोरमैन ग्रुप बी की पोस्ट है। 2 वैकेंसी है कुल मिला के। डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, डिग्री आपके पास होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉजिस्टिक एक्टिविटीज में, ठीक है, स्टोर्स एंड प्रोविजनिंग एक्टिविटीज ऑफ एविएशन फील्ड। एविएशन फील्ड में जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है, जिसे आप कार्गो डिपार्टमेंट भी कह सकते हो इन रफ लैंग्वेज, उसका आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है इस फॉर्म को, इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए गाइस। ओके, तो मैं गाइस थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे। अदर वैकेंसी जो निकली है सब इंस्पेक्टर स्टोरमैन, तो स्टोरमैन में डिग्री होनी चाहिए, साथ साथ में आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉजिस्टिक स्टोर्स एंड प्रोविजनिंग एक्टिविटी जो कि एविएशन फील्ड में हुई हो। जैसे कि आपको मैंने बताया ऊपर, डिग्री के साथ 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास कार्गो में या फिर लॉजिस्टिक में। ओके, जो दूसरी वैकेंसी निकली है वो निकली है आपकी हेड कॉन्स्टेबल फोरमैन। ओके, जिसमें 1 वैकेंसी निकली है आपकी, 12th साइंस वाले बच्चे से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एविएशन स्टोर में, जो कि जो आपका एविएशन जो हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे पब्लिक पीएसयू के अंडर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस प्लस 12th में साइंस होनी चाहिए अगर आप हेड कॉन्स्टेबल फोरमैन के लिए स्टोरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। हाँ, तो लास्ट वैकेंसी आती है कॉन्स्टेबल मेंटेनेंस की, ठीक है। तो कॉन्स्टेबल मेंटेनेंस में दोस्तों मैं बता दूं 25 वैकेंसी निकली है, सबसे ज्यादा 25 इसी में निकली है। 12th पास होना चाहिए आपका दोस्तों, 12th पास होना चाहिए और साथ ही साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर का सफाई में या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट का व्हीकल में, ठीक है, एज अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए आपके पास ट्रांसपोर्ट का। 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर की सफाई का, और 12वीं पास होना जरूरी है इस एप्लीकेशन को, इस फॉर्म को लगाने के लिए आपका, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों मैंने आपको बता दिया, कुल मिला के 13 वैकेंसीज निकली हैं। और कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, तो अप्लाई करने का सिंपल एक सिंपल सी स्टेप है इसका। ये फॉर्म रहेगा ऑफलाइन, आपको ऑफलाइन है फॉर्म को प्रिंट आउट करना है, फॉर्म को फिल करना है और दिए गए एड्रेस पे आपको, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। डिप्टी इंजीनियर जनरल स्टेट हेडक्वार्टर DG BSF ब्लॉक नंबर 10 CG कॉम्प्लेक्स लोधी रोड पीनी दे रखा है, तो इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। ये एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एड्रेस को लिख सकते हो, ठीक है। चिट्ठी भेजते समय इसको डालना मत भूलिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए दोस्तों, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए 10th का, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के बराबर माना जाता है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइसेंस लॉग बुक चाहिए दोस्तों आपकी। सर्टिफिकेट चाहिए आपके कंसर्न अथॉरिटी से, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लेटेस्ट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, जो कि आपके इंडियन एयरफोर्स लेती है। अगर आपके पास नहीं है तो जाके द्वारा बनवा लीजिएगा, ठीक है। क्लास ए मेडिकल लिया जाता है इसमें, क्लास ए। फ्लाइंग फिट मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, फिट टू फ्लाई मेडिकल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं फॉर जूनियर फ्लाइट इंजीनियर एंड सीनियर फ्लाइट गनर के लिए सिर्फ, ठीक है। तो 2 पोजीशंस के लिए आपके पास फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, एविएशन लैंग्वेज में से फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं खुद एविएशन का पार्ट हूँ, आई एम वर्किंग विद इंडिगो एयरलाइंस। और दोस्तों जो चिट्ठी है, चिट्ठी पे आपको बड़ा बड़ा अक्षरों में ये लिखना है सबसे ऊपर चिट्ठी, जैसे कि मान लीजिए ये चिट्ठी है, ठीक है, चिट्ठी में आपको इस तरह कॉलम बनाना है और ये
सारा का सारा ये जो भी है काला काला, इसको यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपने टू द जिसको आप भेज रहे हो, ठीक है, टू द जो भी है फ्रॉम जहाँ से आप भेज रहे हो, अपना एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चिट्ठी लगा के इस फॉर्म को फिलअप करना है, और ये ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों। ओके, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों खुल गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ जिस एड्रेस पे आपको भेजना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा दोस्तों। ओके ओके गाइस, तो ये थी अपडेट आपकी, और इस फॉर्म के लिए कोई भी फीस नहीं होने वाली है, कोई भी पैसा आपका चार्ज नहीं होगा इस रिक्रूटमेंट के अंदर दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये डेपुटेशन बेस के ऊपर वैकेंसी भरी जा रही है, तो इसमें कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे। नोटिफिकेशन आपका दोस्तों बहुत पहले आ गया था, 27 जनवरी को आ गया था, लेकिन ड्यू टू COVID-19 एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण इस वैकेंसी को होल्ड पे रखा गया। लेकिन इसके होल्ड पे रखने के बावजूद भी इसके फॉर्म चालू हैं जिसको आप भर सकते हो। अगर आप डेपुटेशन बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हो, आप जॉबन बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हैं। आपको मैंने एजुकेशन हर एक चीज़ कवर अप कर दी है दोस्तों। ओके, हर एक चीज़ मैंने आपको कवर अप कर दी है इस वीडियो के माध्यम से गाइस। तो देखना मत भूलिएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो पूरा अंत तक जरूर देखिए। जितने भी पोजिशन है सभी में मिनिमम जो ग्रुप बी की पोजीशन है, मैं सिंपली बोलूँ तो उसमें 52 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। जो ग्रुप सी की पोस्ट है उसमें 48 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 48 इयर्स तक ग्रुप सी में, और 52 इयर्स तक इयर्स में ग्रुप बी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है। जो कोई भी अप्लाई करेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भाई अपना बना लेना, अपना फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट भी बना लीजिएगा, आपको पता ही है। ठीक है, कंसर्न अथॉरिटी से आप बात करके आप बनवा सकते हैं, या फिर अगर आप मेडिकल करवाना है तो इंडियन एयरफोर्स मेडिकल करती है सिविल एविएशन एम्प्लॉयर्स का, तो वो आप करवा सकते हैं अपने मेडिकल भी वहाँ से। ठीक है, तो ये थी वीडियो थी, और कोई अगर आपको यूट्यूब पे बोलता है कि ऑल इंडिया से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो प्लीज़ उनके ऊपर ध्यान ना दें। वो सिर्फ व्यूज़ कमाने के चक्कर में आपको बुद्धू बना रहे हैं, आपका बुद्धू खींच रहे हैं। अपना बुद्धू ना खींच पाए, सतर्क बने। ठीक है दोस्तों, तो देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को, और वीडियोज़ आएंगी दोस्तों आपके पास, इस तरह का अपडेट और आएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।